नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपनी इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाउ टू चूज अ कॉलेज। कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी के अंदर भी आप जाना चाहते हैं तो उनको किस तरीके से चूज करें, ठीक है। एक तो होता है रैंडमली, मतलब आपको कोई भी कॉलेज मिल जाए, टेस्ट क्लियर हुआ कोई भी कॉलेज मिल जाए चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से अगर कॉलेज चूज कर पाओ, ठीक है, तो क्योंकि आपने 3 से 4 साल वहाँ पे लगाने होते हैं तो होता है कि कम्फर्ट भी हो वहाँ पे और बाकी सारी चीजें देखने वाली होती हैं। दोस्तों, किसी भी कॉलेज को चूज करने से पहले सबसे पहले आपने देखना है टाइप ऑफ एरिया। टाइप ऑफ एरिया बोलने का मतलब कि आपको पहले सबसे पहले ये देखना है कि आपको पढ़ना कहाँ पे है, घर से बाहर जाना है, कितना दूर जा सकते हो आप, ठीक है, या फिर घर से लोकल में पढ़ना है या फिर अपने स्टेट के अंदर पढ़ना है। तो पहले टाइप ऑफ एरिया देखना है कि आपको पढ़ना कहाँ पे है, ठीक है। मतलब आपके पेरेंट्स का भी रहता है कि आपको कहाँ भेजना है उन्होंने, ठीक है, या आप कहाँ जा सकते हो, तो पहले वो चीज़ देखो। सेकेंड, आपको कॉलेज सर्च करना है जो भी आपका एरिया रहता है, ठीक है। आप लोकल में पढ़ना चाहते हो लोकल के, या फिर आप बाहर जाना चाहते हो बाहर के, तो आपने पहले कॉलेज सर्च करना है वहां पे कि उस एरिया के अंदर आपको जो भी कोर्स आपने चूज किया हुआ है, ठीक है, कोर्स किस तरीके से चूज किया जाता है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हो कॉलेज कोर्स को किस तरीके से चूज किया जाता है। तो जो भी कोर्स आपने जो है वो चूज किया हुआ है, ठीक है, उस कोर्स से रिलेटेड कौन कौन से कॉलेजेस आपको उस एरिया के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया सेकंड। तीसरा, उस कॉलेज के अंदर विजिट करो, विजिट अ कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट के ऊपर हर कोई मिल जाता है, या फिर आपके होर्डिंग लगे होते हैं या फिर काउंसलर्स रहते हैं कॉलेज के, आपके हर एरिया के अंदर काउंसलर्स मिल जाएंगे, तो आपको उस कॉलेज के काउंसलर से बात करके उस कॉलेज में विजिट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप एडमिशन ले लो, डायरेक्ट एडमिशन ले लोगे तब भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप एक बार कॉलेज विजिट कर लो, क्योंकि आपने 3 से 4 साल वहाँ पे लगाने हैं, तो कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, देखने में कैसा है कॉलेज, और कहाँ है एक्चुअल में, ठीक है, किस तरीके का एनवायरनमेंट है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें आप कॉलेज को विजिट करके ही समझ पाओगे। तो कॉलेज को विजिट ज़रूर करें। नेक्स्ट जो आपने चेक करना है, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉलेज में अगर जब आप विजिट करोगे, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बोल रहा हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा बोलने का मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग से नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो गवर्नमेंट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है, लेकिन अगर प्राइवेट के अंदर जाओगे तो प्राइवेट का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग, मतलब लेके चले कि 5 स्टार से कम नहीं होता है, 5 स्टार ना बोलूँ तो 3 स्टार से तो कम, होटल से कम नहीं होता है। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बढ़िया मिलेगा प्राइवेट कॉलेज के अंदर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहेंगी, लेकिन यहाँ पे मैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ कि 500 एकड़ में कैंपस फैला हुआ है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा आपके क्लासरूम्स कैसे हैं, आपकी लाइब्रेरी कैसी है, लैब्स कैसी हैं, स्पोर्ट्स का फैसिलिटी अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो है या नहीं है, ठीक है, फिर करिकुलम के लिए लाइक ऑडिटोरियम वगैरह होते हैं या अलग अलग चीज़ें रहती हैं कॉलेज के अंदर, ग्राउंड वगैरह या फंक्शंस, ये सारी चीज़ें मतलब हैं वहाँ पर या नहीं है। उसके बाद कॉलेज का फैकल्टी कैसा है, ठीक है। अब एक चीज़ हो सकती है कि कॉलेज आपको डायरेक्ट फैकल्टी के बारे में ना बता पे, या फिर हमें खुद पता नहीं होता कि फैकल्टी कैसा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं उनसे सबसे ज़्यादा पता लगता है कॉलेज की फैकल्टी के बारे में कि कॉलेज का फैकल्टी कैसा है, पढ़ाने में कैसा है, क्वालिफाइड तो रहेगा ही, ठीक है। अगर उन सारी चीज़ों का आप पहले पता लगा सकते हो कॉलेज में विजिट करके, किसी स्टूडेंट से पता करके कॉलेज का फैकल्टी कैसा है। उसके बाद कॉलेज का फीस, ठीक है, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कॉलेज विजिट कर रहे हो, 1, 2, 3 कॉलेजेस आप विजिट कर रहे हो, तो उनका फीस स्ट्रक्चर आपस में कंपेयर कर सकते हो, फैकल्टीज आपस में कंपेयर कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में कंपेयर कर सकते हो, कौन से कॉलेज के अंदर कौन चीज़ बढ़िया है। अब ऐसा नहीं है कि कॉलेज तो आपको पसंद आ गया लेकिन उसका फीस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो इंडिया में क्या है कि आपको पता है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दो उस चीज़ के अंदर, उतना आपको रिटर्न मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन फीस को भी कंपेयर कर लेंगे, फीस आपको कौन से कॉलेज के अंदर जो बढ़िया मिल रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट इज प्लेसमेंट।
तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड जरूर चेक करें। सबसे बेटर रहता है कि आप प्लेसमेंट, एक तो कॉलेज का रहता है कि कौन कौन सी कंपनीज आपके कॉलेज के अंदर आ रही हैं, कौन सा हाईएस्ट पैकेज लग रहा है, कितनों को ये पैकेज लगा। लाइक कॉलेज बोलता है 25 लाख का पैकेज लगा है, तो कितने लोगों को ये पैकेज लगा है, या एवरेज है तो एवरेज कितनों को लगा है, कौन सी प्रोफाइल के अंदर गए हैं, ये सारी चीजें जरूर चेक करें किसी भी कॉलेज के अंदर जाने से पहले। या फिर जो पास आउट स्टूडेंट्स है, अगर आप उनसे बात कर पाओ, ठीक है, अगर उनके नंबर्स या उनसे बात कर पाओ तो बहुत बढ़िया बात है, कॉलेज से चीजें मिल पाए, ठीक है। लेकिन प्लेसमेंट रिकॉर्ड जरूर चेक करेंगे, प्लेसमेंट, क्योंकि आपने इतना ज्यादा इन्वेस्ट करना है, तो उसके बाद आपको प्लेसमेंट का सपोर्ट ना मिले कॉलेज की तरफ से, तो कहीं ना कहीं वो कमी रहती है, तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो इन सारी चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर मेन जो रहेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, फैकल्टी रहेगा, फीस रहेगा, प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है। और कॉलेज का एनवायरनमेंट भी आप इंक्लूड कर सकते हो, वहां पे कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, रहने के लिए आपके सूटेबल हो। एंड यस, मेन चीज़ के हॉस्टल, रहने का फैसिलिटी आपको कहाँ मिल रहा है, हॉस्टल है तो हॉस्टल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ मिल रही है। अगर आप हॉस्टल से बाहर रहना चाहते हो तो आपके रूम्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, उसके बाद वो सारी चीज़ें आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को पहले रिसर्च कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, फीस, स्टे आपका हॉस्टल एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। फिर उसको जो है दो तीन कॉलेज के साथ कंपेयर करें, एंड उसके बाद जो है जो बेस्ट आपको निकल के आता है, जहाँ से आपका फीस भी अफोर्डेबल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, फैकल्टी अच्छा हो, जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है, ये चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है, ठीक है, वहाँ पे आप जो है एडमिशन ले सकते हैं फिर उसके बाद। और ये रिसर्च वर्क ज़रूरी रहता है, क्योंकि आपने 2-3 साल वहाँ पे लगाने, मतलब रहना है वहाँ पे आपने, एक तरीके से आपका दूसरा घर बन जाता है वो, तो वो चीज़ आप पहले से रिसर्च कर लें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है। सो अगर आपको कॉलेज चूज करने से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो या फॉलो कर सकते हो साथ में। एंड वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। एंड सो दोस्तों, इसी के साथ खत्म करता हूँ इस वीडियो को, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन जय हिंद।